वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुख दो प्रकार के हैं, एक नित्य सुख जो परमात्मा का कहा जाता है और एक संयोगजन्य सुख। संयोगजन्य सुख को अनित्य सुख कहा जाता है। आपका यहां किसी से भी संयोग नहीं है संसार से। आप आत्मा हो, शुद्ध आनंद स्वरूप व चेतन, जबकि यह संसार असत, जड़ और दुखात्मक है, मान्यता मात्र है। इसीलिए आपका इससे संयोग कैसे हो सकता है? यह तो मात्र जीव की मान्यता है, यह तो मात्र जीव की मान्यता से यह संसार हम सबको भाषित हो रहा है। जिस दिन आप अपनी मान्यता संसार से हटा लोगे, उसी दिन हमारा बनाया हुआ यह संसार लय हो जाएगा। संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि आप शुद्ध हो, आत्मा स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड आत्मा हो। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, यह संसार है ही नहीं, आत्मा सदा से है और यह संसार परपंच है ही नहीं, सदा से नहीं। इसीलिए आप हो और ये नहीं है। तो है और नहीं का क्या मेल? अर्थात कोई मेल नहीं। आप हो इसीलिए आपने अपनी मान्यता से इस नहीं को भी बना रखा है, क्योंकि है की मान्यता में नहीं भी है की मान्यता में नहीं भी है जैसा लगता है, पर वास्तव में यह है ही नहीं, केवल मान्यता मात्र है। सज्जनों, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। एक दिन हम सबको एक ऐसे सफर पे जाना है, यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है यार, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। सज्जनों, सीट भी कंफर्म है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है, हमारे सभी अच्छे कर्म हमारे समान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगी, प्यार हमारा वीजा होगा। इसीलिए परमधाम तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जिंदगी में जितना हो सके उतना भलाई करें, अच्छा करें। मजे अंत में एक मजेदार चुटकुला सुने। पति ने पत्नी को कहा, यह कैसी दाल बनाई है, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बोली बेलन दिखाते हुए, पहले तुम मोबाइल साइड में रखकर खाना खाओ, कब से देख रही हूं पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो।